हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते, राम राम। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस चेरी लिप बाम। मेरे हाथ में है कि ये चेरी का लिप बाम और ये मैंने ख़रीदा था जूडियो से। इसकी जो MRP है वो है 50 रुपये और यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी है। नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है और मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये सब बोला है कि साइड में चेक कर लो आप। क्वांटिटी की बात की जाए तो 50 रुपीज़ में दे आर गिविंग दिस मच ऑफ द क्वांटिटी। इतनी लंबी है ये लिप बाम। यहाँ नीचे लिख रखा है कि नेट क्वांटिटी इज़ 4.5 ग्राम। फ्लेवर की बात की जाए तो इसका जो फ्लेवर है दैट इज़ चेरी। चेरी जैसा टेस्ट आता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अगर आप लोगों को माइल्ड फ्लेवर पसंद है तो आप ये वाले लिप बाम मत खरीदना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। जो इसका फ्लेवर है ना वो मुँह में भी चला जाता है एकदम, और बहुत ही गंदा सा हो जाता है। कलर की बात की जाए तो आई विल शो यू। टेक्सचर आप इसका चेक कर सकते हो, ऐसा है, ग्लिटरिंग सा ग्लो देती है। ये है इसका टेक्सचर। टेक्सचर दिखने में ठीक है, लगाने में भी ठीक है, लेकिन ये क्या है ना कि लिप्स पे लगाते ये आपके मुंह के अंदर चली जाती है। आप इस लिप बाम का जो टेस्ट है ना वो उसको फील भी कर सकते हो, तो वो मुझे बहुत ही ख़राब चीज़ लगी इसके बारे में। और अगर लॉन्ग लास्टिंग के बारे में बात की जाए तो बार बार आपको इसको लगाना पड़ेगा। कुछ भी आप खाओगे तो ये जो ग्लिटरिंग सा दिख रहा है आपको ये उतर जाएगी तुरंत ही, और बार बार लगानी पड़ेगी। मतलब कुछ भी खाओगे तो उसके बाद तो लगानी ही है, पानी भी पियोगे तो भी ये पानी के साथ ना मतलब मुँह में चली जाती है पानी के साथ भी। ये ऐसी है लिप बाम, लिप्स पर नहीं रहती है। और ये देखो लॉन्ग लास्टिंग की अगर बात की जाए ना, तो मैंने इसको जैसे कि लगाया, इसको मैंने लगा दिया, इसको इतनी बार लगाने में तो लगी है ये, और उसके बाद जैसे मैं इसको अपने हाथ से मिटाऊंगी ना तो ये पूरा ही गायब हो जाएगा, सीट तो पूरी ख़त्म हो गई है। लॉन्ग लास्टिंग कुछ नहीं है, बार 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 आपको लगानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर मुझे मौका दिया जाए कि दोबारा इस लिप बाम को कभी ख़रीदना है कि नहीं, तो मेरा तो नो है इस लिप बाम के लिए। 50 रुपये की है लेकिन बिल्कुल भी मतलब वर्थ ही नहीं है। आप बस एक ग्लिटर सा आपको दिख रहा है इस तरीके का देगी, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड है और मुंह में भी चली जाती है। मतलब लगता है कि केमिकल्स ही आपने मुंह में ले रहे हो। तो बस ये पहली बार ही ख़रीदी थी और यूज़ भी नहीं हो पा रही अब तो। ये मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट एक फेलियर है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू था। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये लिप बाम दोबारा ख़रीदनी चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगी सिंपल सा आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी है ये लिप बाम। मतलब है 50 रुपये की, लेकिन ये उस चीज़ के भी लायक नहीं है। फ्री में भी मिले तो भी नहीं ख़रीदने की ज़रूरत है। अब सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। तो इसका ड्रॉबैक बस जो है वही यही है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, और केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स तो इन्होंने कुछ लिखे ही नहीं है इसके ऊपर कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किए हैं। नाउ रेस्ट इज़ योर चॉइस। अगर आपको ख़रीदनी है तो आप ख़रीद लो, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और आखिरी में चॉइस तो आप ही को करनी है। तो बस जो भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं आप उनको सोच के जो भी आपको चॉइस करनी है आप कर लो। खरीदनी है तो खरीद लो, नहीं खरीदनी है तो मत खरीदो। थैंक यू टू ऑल। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।